नमस्कार दोस्तों राजू सर के नाम से इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है एमसीक्यू की इस कड़ी के अंदर एक और नया MCQ वीडियो हम लेके आए हैं लास्ट लेक्चर के के अंदर हमने एक्यूट फेलियर पे सॉल्व किए थे आज हम सॉल्व करने वाले हैं यूरिनरी ट्रैक्ट के बारे में तो क्या होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है क्या उसका जो है बाकी का मैनेजमेंट रहता है क्या मरीज को हम इम्पोर्टेंट एजुकेशन और इम्पोर्टेंट केयर वहाँ पे देना होता है उसके बारे में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन विद रैशनल यहाँ पे सोल्व करने वाले क्लिनिक इन मॉडरेट डिस्ट्रेस विद ए पोर्टेबल डायग्नोसिस ऑफ अक्यूट सिस्टाइटिस विच ऑफ दिम्टुड द नर्स मोस्ट लाइकली एक्सपेक्ट द्लाइंट टू रिपोर्ट ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑप्शन कुछ इस प्रकार है फीवर एंड चिल्स फ्रीक्वेंसी एंड बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन फ्लैंक पेन एंड नोजिया और हिमेचूरिया सवाल ने पूछा है ईयर एज यंग ओल्ड फीमेल लेडी है एम्बुलटरी केयर क्लिनिक में आई है मॉडरेट डिस्ट्रेस के साथ में और एक पोर्टेबल डायग्नोसिस उसका पहले से है एक्यूट सिस्टाइटिस सिस्टाइटिस वर्ड का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है तो, यूरिनरी ब्लैडर का वहां पे इन्फ्लामेशन इन्फा, है क्या सिम्टम जो है आप उसमें एक्सपेक्ट करते हैं दैट मींस कि सिस्टाइटिस में क्या क्लिनिकल साइन होते हैं असेसमेंट के समय आपको पता चलेंगे उसको फीवर चिल्स के साथ में होएगा या फ्रीक्वेंसी और बर्निंग होगी यूरिन के दौरान फ्लैंक पेन और नोजिया होएगा और हेमचूरिया होएगा व्हाट इज द करेक्ट वन वेरी गुड जिन लोगों ने जवाब बी दिया है वो बिल्कुल अपनी जगह सही है सिस्टाइटिस का सबसे क्लासिकल और जो है इंपॉर्टेंट कार्डिनल साइन अपन बोल सकते हैं कि वहां पे सीवियर बर्निंग के साथ में अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी होती है तो फ्रीक्वेंसी बर्निंग यूरिन के अंदर और अर्जेंसी ये सिस्टाइटिस का हीन है सिस्मिक सिम्टम अगर सिस्टाइटिस में आते हैं तो उस समय मरीज को फीवर नोजिया वॉमिटिंग ये सब चीजें रहती है लेकिन ये ज्यादातर जो है पाइलोनेफ्राइटिस के क्लिनिकल साइन होते हैं जिसमें फीवर नोजिया वॉमिटिंग होता ही होता है सिस्टाइटिस में ज्यादातर ऐसा देखने को नहीं मिलता है फ्लैंक फ्लैंक पेन पेन और और जो जो है है वो भी के साइन होते हैं जिसमें ज्यादा होता है। और इसके अलावा जो पे लिखा हुआ है वो कॉमनली सिस्टाइटिस में नहीं होता है इसमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी और बर्निंग होती है हिमेचुरिया ज्यादातर कैंसर वाली कंडीशन में होता है जो ब्लैडर कैंसर में हमने पढ़ा था तो ए सी और डी यहाँ पे गलत जवाब है बी बिल्कुल करेक्ट है फ्रीक्वेंसी एंड बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन नेक्स्ट एक क्लाइंट द द हाउ डिड आई गेट दिस यूटीआई है ना मरीज ने पूछा कि ये मुझे यूटीआई कैसे हुआ द शुड एक्सप्लेन दैट इन मोस्ट इंस्टेंस सिस्टाइटिस इज कॉल्ड बाय तो उन्होंने बताया कि भाई सिस्टाइटिस होने का मोस्ट कॉमनली जो कारण रहता है पहला है कंजेनाइटल स्ट्रिक्चर इन द यूरे जन्म से यूरेथ्रा में स्ट्रिक्चर होने से सिस्टाइटिस होता है एंड इन्फेक्शन एल्सवेयर इन द बॉडी बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन होता है तब सिस्टाइटिस होता है

लेकिन मोस्ट कॉमन कोज जो होता है वो असेंडिंग इन्फेक्शन होता है से. Strictor जो first option के अंदर दिया हुआ है और यूरिनरी रिटेंशन जो कि सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है और जिसको हम कहते हैं उसकी वजह से भी इंफेक्शन हो सकता है लेकिन ये मोस्ट कॉमन कारण नहीं है ना मोस्ट कॉमन कोज ये नहीं होता है सिस्टमिक इंफेक्शन जो है बहुत रेयरली बी ऑप्शन में जो दिया हुआ है कहीं भी बॉडी में इंफेक्शन रेयरली तो करता है तो so, स्टिक्चर और स्टेसिस दोनों यूटीआई कर सकते हैं लेकिन मोस्ट कॉमन जब पूछा जाता है तो वो जवाब हमेशा असेंडिंग इन्फेक्शन होता है यूरेत्रा का यूरेत्रा में असेंडिंग इन्फेक्शन जाके ब्लाडर को इन्फेक्टेड करता है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा डी नेक्स्ट है द नर्स टीचर्स ए क्लाइंट हु हैज सिस्टाइटिस मेथड टू रिलीव हर डिसकंफर्ट अंटिल द एंटीबायोटिक टेक्स इफेक्ट Which of the following responses by the client would indicate that इंडिकेट understood the nurse's instruction? सिस्टाइटिस हुआ मरीज को कुछ ऐसे मेथड सिखाए जा रहे हैं ताकि उसको डिसकंफर्ट और पेन में रिलीव आ जाए जब तक एंटीबायोटिक काम करना शुरू करें इंफ्लामेशन कम हो तब तक उसको पेन में शॉर्ट पीरियड के लिए आराम लाने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए तो वो इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद में क्लाइंट का कुछ रेस्पॉन्स था वो ये इंडिकेट करता है कि वो सारे इंस्ट्रक्शन को समझ चुका है वो रेस्पॉन्स कौन सा है

हा हा वेरी गुड कुछ लोगों का जवाब यहां पे सही जा रहा है लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्होंने बी जवाब दिया है जो कि एक करेक्ट आंसर है आई विल टेक होट टब बात देखिएगा होट टब बात है या होट बात जो होता है वो प्रमोट करता है रिलैक्सेशन को और अर्जेंसी डिस्कंफर्ट और जो स्पाज्म होते हैं पेरिनियल एरिया में उसमें रिलीव लाता है एप्लीकेशन एप्लीकेशन या हॉट जब हम एरिया में करते हैं तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है एज कंपेयर टू कोल्ड एप्लीकेशन है ना क्योंकि हीट से जो है इन्फ्लामेशन कम होता है पहले ऑप्शन में कोल्ड एप्लीकेशन का बोला जिससे कई गुना ज्यादा हीट एप्लीकेशन वहां पे मदद करता है इसके अलावा मरीज को हम बहुत ज्यादा फ्लूड इंटेक जो है उसको भी बढ़ावा देने का बोलते हैं है ना जिसमें यहाँ पे फ्लूड uh, इंटेक जो है आई विल ड्रिंक ए कप ऑफ वाटर वार्म टी ये जो लिखा हुआ है तो फ्लूड इंटेक को बढ़ावा देंगे और कैफिन बेवरेजे जो होते हैं जैसे टी कॉफी और कोका कोला ये को और ज्यादा इरिटेट करते हैं तो हम इनको अवॉइड करने का बोलेंगे प्लेन वाटर जो है, वो है। ये, ये सारे जो है है वो ज्यादा कॉफी ये ये कोला सारे नहीं लेने हैं और मरीज को एवरी टू आवर्स में अवॉइड करना होता है यहाँ पांच से छह घंटे बहुत लंबा टाइम है जितना ज्यादा यूरिन स्टेसिस करेगा उतना इन्फ्लामेशन धीरे ठीक होगा तो हर दो से तीन घंटे में अपने ब्लाडर को खाली करना हम सजेस्ट करेंगे ताकि मरीज जो है उसका यूरिन के स्टेसिस कम हो इसलिए ऑप्शन जो ए गलत है आइस से इतना ज्यादा रिलीव नहीं आता जितना होट से आता है टी कोला कॉफी इरिटेट करते हैं ब्लैडर को इसलिए इनका इंटेक नहीं करना है और दो से तीन घंटे के अंदर उसको वॉइड करना होता है पांच से छह घंटे लॉन्ग टाइम है इसलिए ए सी ओ डी गलत जवाब है बी बिल्कुल करेक्ट है होट टब बात से उसमें रिलैक्सेशन आएगा पेरिनियल एरिया में और मसल रिलैक्स होएगी तो उसको डिस्कम्फर्ट कम होएगा

दूसरा है ये पोटेंशिएट करती है एंटीबायोटिक के एक्शन को एंटीबायोटिक के असर को पोटेंशिएट मतलब बढ़ावा देने का काम करती है तीसरा है ये प्रोवाइड एन एनाल्जेसिक इफेक्ट ऑन एना ब्लैडर म्यूकोसा ब्लैडर म्यूकोसा पे एनाल्जेसिक इफेक्ट लाती है और लास्ट है ये प्रिवेंट करती है क्रिस्टल फॉर्मेशन को जो कि सल्फर ड्रग की वजह से होता है व्हाट इज द करेक्ट आंसर कैसे वर्क करती है फेनाजो जो पायरिडीन हाइड्रोक्लोराइड या इसी को हम पायरिडियम कहते हैं एक्शन ऑफ पायरिडियम तो देखिएगा सिस्टाइटिस के अंदर मरीज को फ्रीक्वेंसी और डिस देखने को मिलता है पेनफुल यूरिनेशन होता है पायरिडियम दवाई जो होती है वो ब्लैड की म्यूकासा पे काम करके एनालजेसिक इफेक्ट देती है जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है आप देख पा रहे हो इट प्रोवाइड एन एना पायरिडियम दवाई जो होती है ये यूरिनरी एनाल के रूप में काम करती है ब्लैड की म्यूकोसा पे डायरेक्ट काम करके पेन में रिलीव लाने का में मदद करती है यह दवाई कभी भी बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट नहीं देती है इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया यह बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट के लिए नहीं बनी हुई है यह दवाई किसी भी एंटीबायोटिक को पोटेंशिएट करने में मदद नहीं करती है और ये दवाई क्रिस्टल फॉर्मेशन को प्रिवेंट नहीं करती है इसलिए ए बी और डी गलत जवाब है सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि यह दवाई ब्लैडर म्यूकोसा पे काम करके एनाल्जेसिक इफेक्ट देने में मदद करती है नेक्स्ट है बिफोर द क्लाइंट स्टार्ट टेकिंग पायरिडियम यही दवाई लेने से पहले सी शुड बी टॉट अबाउट विच ऑफ ड्रग्स साइड इफेक्ट इस दवाई के कौन से साइड इफेक्ट के बारे में आप बताएंगे ये दवाई लेने से पहले मरीज को क्या समझाएंगे इसका साइड इफेक्ट क्या होता है ब्राइट ऑरेंज रेड यूरिन इनकॉन्टिनेंस कॉन्स्टिपेशन और स्लाइट ड्राउजीनेस कई बार पूछा हुआ सवाल है कई बार पायरिडियम दवाई देने से पहले इंपोर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी एक दवाई है पायरिडियम एक दवाई है रिपोर्टिस लगभग सेम इफेक्ट होता है इन दवाई को लेने से ब्राइट ऑरेंज कलर का यूरिन हो जाता है मरीज को घबराने की जरूरत नहीं है वो ब्लड नहीं होता है मरीज ज्यादातर उसको ब्लड समझ देता है तो हमें मरीज को जो है सिखाना है कि जब ये दवाई लेगा पैरिडियम दवाई लेगा तो उसके यूरिन का कलर ब्राइट ऑरेंज रेड कलर का हो जाता है, है ना जो कि अंडरवियर के अंदर स्ट्रेन के रूप में भी दिखेगा तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है ये बड़ा डरावना हो सकता है ऑरेंज रेड कलर का यूरिन लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है ये नॉर्मल होता है है ना तो ये कोई प्रॉब्लमेटिक इश्यू नहीं है इसके अलावा दूसरे साइड इफेक्ट पारिडियम के हेड एक डिस्टरबेंस और रेसेज वगैरह होते हैं है ना तो इसलिए यहाँ पे ये मरीज को सिखाना है पारिडियम दवाई की वजह से मरीज को इनकॉन्टीन्यूस जो की बी ऑप्शन में कॉन्स्टिपेशन जो सी में और ड्राउजीनेस जो की डी में ये बिल्कुल नहीं होते तो ना तो इससे इनकॉन्टीन होता है ना इससे कॉन्स्टिपेशन होता है ना ड्राउजीनेस होता है इससे सिर्फ ब्राइट ऑरेंज रेड कलर का यूरिन हो जाएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होता है और एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है इसलिए आपको याद रखना होता है ब्राइट रेड ऑरेंज कलर का यूरिन ये दवाई की वजह से होता है उसका कलर होता है घबराने की जरूरत नहीं होती है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्लाइंट वुड इंडिकेट दैट सी इज एट हाई रिस्क फॉर ए रिकरेंस ऑफ सिस्टाइटिस क्या चीज इंडिकेट करती है कि उसको हाई रिस्क है सिस्टाइटिस के रिकरेंस होने की

वो मरीज जिसको जो है हाई रिस्क होती है सिस्टाइटिस के रिकरेंस होने की उसको क्या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है वो इंडिकेट करता है कि मरीज जो है हाई रिस्क पे है फर्स्ट ऑप्शन आई कैन यूजुअली गो ए टू टेन आवर्स विदाउट नीडिंग टू एम्प्टी माय ब्लैडर आई टेक टब विदाउटिंग एवरी इवनिंग वाइप फ्रॉम फ्रंट टू बैक आफ्टर वॉइडिंग आई ड्रिंक ए लोट ऑफ वाटर ड्यूरिंग द डे तो गलत स्टेटमेंट क्या है यही बेसिकली यहां पे जवाब है तो ए ऑप्शन जो दिया हुआ है मरीज कह रहा है कि मैं आठ से दस घंटे में वॉइड करूंगा

यहाँ पे हाइजीन मेंटेन करने का जो लिखा हुआ है वाइप फ्रंट टू बैक इससे इंफेक्शन कम होने की संभावना होती है और लॉट ऑफ वाटर लेने से भी इंफेक्शन के मिनिमाइज होने की संभावना है तीन है तीन स्टेटमेंट जो इससे संभावनाशन कम होने की संभावना है लेकिन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इससे इंफेक्शन के दोबारा होने की संभावना है इसलिए ए जो स्टेटमेंट है वो मरीज इन्फेक्शन होने की पूरी पूरी संभावना है बी सी और डी जो है यहां पे आंसर नहीं बनेंगे नेक्स्ट है टू प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ सिस्टाइटिस द नर्स शुड प्लान टू एनकरेज द क्लाइंट टू इंक्लूड विच ऑफ फॉलोइंग मेजर्स इन हर डेली रूटीन सिस्टाइटिस के रिकरेंस होने को प्रिवेंट करने के लिए डेली रूटीन में कौन सी चीज को बढ़ावा देना है फर्स्ट है वियरिंग कॉटन अंडरपार्ट इंक्रीज सिट्रस जूस इनटेक डाउचिंग रेगुलरली विदीरो पॉइंट टू फाइव परसेंट एसिटिक एसिड और यूजिंग वेजाइनल स्प्रेज किसी मरीज को सिस्टाइटिस के रिकरेंस होने को रोकने के लिए क्या इंपोर्टेंट नर्सिंग रूटीनली यूज करने चाहिए तो यहां पे बहुत सारे जो है तरीके हैं जिनको एडोप्ट करना होता है रिकरेंस को रोकने के लिए जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो अंडर जो गार्मेंट्स होते हैं जिसको पैंट पेंटीज कहते हैं पैंट्स जो होते हैं उनको टाइट पैंट जो है वो यूज नहीं करने है ना टाइट नहीं होने चाहिए नॉन कॉटन नहीं होने चाहिए मतलब कॉटन वाले होने चाहिए और इसके अलावा इरिटेटिंग सब्सटेंस नहीं होना चाहिए है ना इरिटेटिंग सब्सटेंस काम में नहीं लेना होता जैसे बबल बात करना या वेजाइनल सॉप और स्प्रेज काम में लेना ये चीजें इरिटेट करती है तो ये नहीं करना होता है तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे लिखा है कॉटन अंडर जो कि बिल्कुल करेक्ट है ये मेजर्स काम में लेके सिस्टाइटिस को रोका जा सकता है ये बहुत सही तरीका है सिट्रस जूस इंटेक जो होता है वो ब्लैडर को इंडिकेट करते हैं इसलिए ये गलत है रेगुलरली एसिटिक एसिड से डाउचिंग करने से है ना रेगुलर अगर हम डाउचिंग करते हैं uh, तो ये प्रॉब्लमेटिक है प्रॉब्लम डाउचिंग तो करनी नहीं होती है और वो भी एसिटिक एसिड से आप करेंगे तो ये प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम तो रेगुलर डाउचिंग जो है वो रिकमेंडेड नहीं होती है ये पी जो वेजाइना का पीएच होता है उसको अल्टर्ड करता है और उसकी वजह से इन्फेक्शन होने की रिस्क को बढ़ा देता है तो रेगुलर डाउचिंग नहीं करनी होती है वेजाइनल स्प्रेज

इसी तरीके के मजेदार वीडियो को सुनने के लिए जुड़े हुए शेयर कर, तो कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सुझाव देना बिल्कुल ना भूले चाहे जैसा भी सुझाव हो इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात की इस वीडियो इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का संकल्प दृढ़ संकल्प अभी ले ताकि हम लोगों की वजह से कई घरों के चिराग जो है वो रोशन हो पाए और हम चाहते हैं कि हम मैक्सिमम लोगों तक अपनी आवाज को पहुंचाए और ये आवाज जिन लोगों को पसंद आए जो लोग इस आवाज को सुन के कंसेप्ट बना पाए वो लोग फ्यूचर में कुछ ना कुछ अच्छा कर पाए और इसके कारण हम बने तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो एक बार करके देखिएगा आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा इसी के साथ में मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो के साथ में नई कंडीशन के साथ में नाम रहेगा उसका पाइलोनेप्राइटिस तब तक के लिए जय हिंद जय भारत